अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे काली मिर्च का मसालेदार गोश्त। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम बोनलेस मटन। तो मटन को अच्छे से धोकर अब हम प्रेशर कुकर में ऐड कर लेंगे। तो ये है 500 ग्राम्स मटन। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, मुट्ठी भर कोथमीर और मुट्ठी भर पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्ची ले लेंगे, 200 ग्राम दही ऐड कर लेंगे। और यह है साबित काली मिर्च 2 टेबलस्पून, शाजीरा 1 टीस्पून, 6 इलायची, 2 लौंग, पत्थर का फूल का एक टुकड़ा ले लेंगे, साबित धनिया 1 टीस्पून ले लेंगे और 2 दालचीनी के टुकड़े। तो ये सब चीज़ों को अब हम पीस के पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए ये पाउडर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम ये सारा पाउडर गोश्त के अंदर ऐड कर लेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 1 कप। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कीजिए। 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद में प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख देंगे। तो लगभग हम 8 से 10 सीटी होने तक पकाएंगे इसको। तो ये देखिए अब हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन निकाल लिया है। 8 से 10 सीटी हो जाने के बाद में एक नींबू का रस डाल देंगे इसके अंदर और अब हम 4 से 5 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे लो हीट पे रख के। तो ये देखिए अब ये जो मटन है बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो आप इसको सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ में। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिए ये रेसिपी को, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती। और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।